वृंदावन में सहकारी बैंक में चोरी की घटना का वृंदावन पुलिस ने किया 14 घंटे में पर्दाफाश। चार छात्र चोरों को किया गिरफ्तार। वहीं पकड़े गए चोरों से चोरी का माल भी किया बरामद। दरअसल आपको बता दें कि मथुरा थाना वृंदावन इलाके के पत्थरपुरा सहकारी बैंक में हुई लूट का पुलिस द्वारा 24 घंटे में खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है तथा बैंक से लूटा गया सामान भी बरामद किया है। पुलिस द्वारा कल रात बैंक से कंप्यूटर के 3 मॉनिटर चोरी हुए थे। इसका खुलासा किया गया। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। वृंदावन पुलिस द्वारा वहां सहकारी बैंक में बीती रात्रि नकबजनी की घटना कारित की गई थी, जिसमें चार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और वहां जो चोरी गया माल था वो समस्त माल बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने अन्य 3 घटनाओं का भी खुलासा किया है। उन घटनाओं का भी अनावरण हुआ है इनकी गिरफ्तारी से। जानकारी पर प्रकाश में आया है कि यह शराब इत्यादि के नशे का सेवन करते थे। उस खर्चे को पूरा करने के लिए इन्होंने उस बैंक को निशाना बनाया जिसमें कि भारी भरकम धनराशि मिलने की इनको संभावना थी, किंतु पुलिस के सक्रियता से, पुलिस के हमारे एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल हैं जिनकी इसमें प्रमुख भूमिका रही उन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में। वह पेट्रोलिंग जो हमारी पार्टी होती है उस पर वो चलते हैं और उनके द्वारा सटीक सूचना पर सटीक रूप से कार्यवाही करते हुए इस घटना के अनावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, जिनको अलग से पुरस्कृत किया जा रहा है। सर, ये कोई गैंग है या मतलब ये गिरोह इन्होंने एक बना रखा है वहाँ पर? ये बेसिकली मैंने जैसे बताया कि ये शराब इत्यादि का नशा करने के आदि हैं और उसके खर्चों को पूर्ति करने के लिए ये जहाँ मौका मिलता है चोरी या नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आपराधिक इतिहास है इन लोगों का? इनका आपराधिक इतिहास है। इनके विरुद्ध जो है 6 मुकदमे कुल पंजीकृत हैं और अन्य थानों में भी इनके आपराधिक इतिहास की तलाश जारी है।